रांची जिले के हेहल अंचल के बजरा मौजा में जमाबंदी की जांच कर रही कमेटी ने पूरे अंचल की जमीन के खातों में ऑनलाइन सुधार को लेकर सवाल उठाए हैं। जांच कमेटी ने लिखा है कि साल 2016 के बाद अंचल के खातों में जो भी ऑनलाइन सुधार हुए, अगर उसका सत्यापन कराया जाए तो फर्जी जमाबंदी के मामले उजागर हो सकेंगे। इनका सत्यापन NIC से प्राप्त डेटा के माध्यम से कराने को लिखा गया है, ताकि फर्जी तरीके से जमाबंदी का खुलासा हो सके। आशंका जताई गई है कि बड़ी संख्या में फर्जी जमाबंदी, कमेटी ने लिखा है कि इस मामले में समुचित कार्रवाई की दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फर्जी जमाबंदी का यह मामला अब ऑनलाइन सुधार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इधर गुमला के बसिया कंसकेली मुख्य मार्ग पर 28 जंगली हाथियों का झुंड दिखा। हाथियों के झुंड में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों के आने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। टीम के सदस्य इलाके से हाथियों को भगाने में जुटे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण हाथियों से नुकसान की आशंका से लोग रत जगा करने को मजबूर हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।